ऊंची इमारतों पर बने हेलीपैड सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है, इनके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दिया जाना चाहिए। यह कहना है भारतीय नौसेना के एडमिरल संजीव भसीन का। संजीव भसीन ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि दक्षिण मुंबई में रतन टाटा और अनिल अंबानी के निजी हेलीपैड हैं, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से इन्हें एनओसी नहीं दिया जाना चाहिए। दक्षिण मुंबई के कोलाबा में अनिल अंबानी की इमारत सी विंड, इस बिल्डिंग पर हेलीपैड बनाने की मंजूरी तो बीएमसी ने दे दी, लेकिन भारतीय नौसेना ने एनओसी देने से इनकार कर दिया। दरअसल ये भारतीय नौसेना के फ्लाइंग स्टेशन आईएनएस शिकरा से काफी नजदीक है, इसी वजह से इस हेलीपैड पर अनिल अंबानी को अपना हेलीकॉप्टर उतारने पर पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि पायलट की एक गलती से अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसका खामियाजा सीधे आईएनएस शिकरा को भुगतना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद यहां से कुछ ही दूरी पर है रतन टाटा के ताज ग्रुप का वेलिंगटन म्यूज, जिस पर हेलीपैड बना है और इसे रक्षा मंत्रालय ने हरी झंडी भी दे दी है, लेकिन इसके लिए भारतीय नौसेना से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दिया गया था। द नेवी हैज सॉट रिकंसीडरेशन ऑफ दिस एनओसी एंड कैंसिलेशन ऑफ द एनओसी बिकॉज वेलिंगटन म्यूज इज लोकेटेड विद इन द लोकल फ्लाइंग एरिया ऑफ आईएनएस शिकरा। मुंबई की ऊंची इमारतों पर हेलीपैड बनाने पर भले ही भारतीय नौसेना ने आपत्ति जताई हो, लेकिन अनिल अंबानी और रतन टाटा जैसे दिग्गजों को हेलीपैड बनाने पर मंजूरी देने का फैसला सरकार के गले की वो हड्डी बन चुकी है जिसे वो ना उगल सकती है ना निगल सकती है। लेकिन अहम सवाल ये कि आखिर कैसे सरकार इन उद्योगपतियों के फायदे के लिए आम जनता की सुरक्षा को ताक पर रख सकती है। वेलिंगटन न्यूज के इस हेलीपैड पर रतन टाटा का निजी हेलीकॉप्टर उतरता है, जिसके लिए उन्होंने भारतीय नौसेना से एनओसी ना लेकर रक्षा मंत्रालय से ही मंजूरी ले ली। लेकिन ये हेलीपैड भी आईएनएस शिकरा और नौसेना के डॉकयार्ड पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से खतरा साबित हो सकता है। यही वजह है कि भारतीय नौसेना अब इस पर एतराज जताते हुए इसकी मंजूरी को खारिज करवाने का मन बना रही है। हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्य सचिव जेपी डांगे ने मुंबई शहर में 6 हेलीपैड बनाए जाने की योजना पेश की थी, जिस पर नौसेना ने ऊंची इमारतों पर हेलीपैड बनाने का विरोध किया है। On top of residential buildings, there should be no operations of helicopters except for emergency evacuation, which can be done from the normal terrace. It does not require a helipad to be built. इसके पहले खुफिया रिपोर्टर्स ने भी केंद्र सरकार को हवाई हमले की आशंका जताई है। दक्षिण मुंबई के इन हेलीपैड से भारतीय नौसेना के अहम ठिकानों पर नजर रखी जा सकती है, साथ ही हेलीपैड का इस्तेमाल काफी खतरनाक भी हो सकता है। मुंबई से राकेश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आईबीएन 7।